नानीमा दादीमा के किचन में आपकी स्वागत है। मैं आज प्याज के पराठे बनाने जा रही हूँ। उसके लिए आटा ये ले लीजिए और स्वाद अनुसार नमक और ये मंगरेला और इसके बाद ये दो प्याज, दो पराठे के लिए दो प्याज और ये मिर्चा, ये नमक और ये नमक डाल दिए, ये मंगरेला। अब उसके बाद ये पानी से आप आटा को गूंद लीजिए। गूंद लीजिए इस तरह से, आटा आप गूंद लीजिए और उसके बाद ये प्याज छील लीजिए। प्याज, दोनों प्याज छील कर फिर इसको काटना है। दोनों प्याज आप छील लीजिए। आपको वीडियो मेरा पसंद है तो आप शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। बनाकर एक बार ज़रूर टेस्ट करिए। इस तरह से प्याज चॉपर में डालकर मैं करूँगी। आप चाकू से भी काट सकते हैं, अगर चॉपर में हो तो आप चाकू से भी काट सकते हैं। इस तरह से इसमें ये धीरे मिर्चा भी डाल दीजिए और ये प्याज डाल दीजिए। इस तरह से आप इसको कर लीजिए प्याज को। इतनी बड़ा सा आप आटा ले लीजिए और फिर इसका जो है ना गोल बना लीजिए। गोल बना कर फिर ये इसमें डालिए सूखा आटा में। फिर ये इसको जो है इसको अब ले लीजिए। सबसे पहले आप घी डालिए, घी लगाइए इसमें। हम तो देसी घी यूज करते हैं, आप चाहें तो रिफाइंड में भी लगा सकते हैं। पूरे घी लगा लीजिए। इसके बाद जो है आप ये प्याज डाल दीजिए इसमें। प्याज डालिए, इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक। फिर इसको इस तरह से मोड़िए, फिर इधर से, फिर ये इस तरह, फिर ये इस तरह से चार कोण बना लीजिए। को बना के उसमें आटा लगाइए सूखा, इसको बेल लीजिए। ये आपका तैयार हो गया। अब इसको इसमें डाल दीजिए। थोड़ा बहुत फटेगा तो प्याज है इसलिए थोड़ा फट जाता है, और खाने में बहुत ही लजीज और अच्छा लगता है। इसको जो है एक बार डाल के फिर इसको इसे उड़ा देंगे, उड़ा देंगे फिर ये जब सिक जाएगा तो फिर इस पर घी डालेंगे और इसमें ये घी डाल दीजिए। घी डालने के बाद इसको उड़ा दीजिए। देखिए बच्चों, ये मेरा पराठा तैयार हो गया। इस तरह से ब्राउन कलर का करना है। अब इसको अब प्लेट में निकाल दीजिए।
देखिए मेरा ये पराठा बन गया प्याज के, और ये सॉस, इसको सॉस के साथ खाना होता है, या तो धनिया की चटनी से खाइए, सॉस से खाइए, कोई भी चीज़ की चटनी से आप खा सकते हैं। और ये मेरी पराठा है, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसको शेयर करिए। बाय।